और म्यूजिकली वीडियोस बनाएगा। केले खो न जाए ये तारे जमीन पर। और इससे पैदा हुई थी मटकली चटकली के सतरंगी चूतिए। बड़ी इट्स योर बॉय फाइनेस्ट ट्रेंड्स हियर। और तुम सोच रहे होगे गोलू मोलू प्यारा से बच्चा केकेएल के चैनल पे क्या कर रहा है। दैट्स राइट, मैंने चैनल हैक कर लिया है। मजाक कर रहा हूँ, दिस इज अ कोला वीडियो। और आज हम दोनों मिलके हमारे खट्टे जामुन का रोस्ट करने वाले हैं। मगर क्यों? क्योंकि मैंने और केकेएल ने बहुत पहले मंजुल फाटड़े पे वीडियो बनाया था और उसने हमें ये बोला था। तो कल जब मैं अपने फेवरेट मूजर आशिका भाटिया की वीडियोस देख रहा था तो अचानक से मेरे सामने क्या आया? To all the roasters, the reason why I'm here and the reason why you are in a pit, hashtag style up India. तुम मंजुल खट्टर के वो छोटे छोटे चूहे वाले फैन हो जो तुम मुझे बोलने वाले हो। साले गरीबों के कार्टून नेटवर्क मेरे फेवरेट मंजुल फाटड़े का रोस्ट करता है, तेरी गांड कट के ओलेक्स पे बेच दूंगा। होल्ड योर चुची गैंग डाउन मेरे दोस्त, क्योंकि अभी तो पार्टी चालू हुई है। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। That's right मोटा भाई, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो यार कुछ महीने पहले मैंने हमारे सबसे ज्यादा फेवरेट मूजर मंजुल खट्टर पे एक वीडियो बनाया था। और चाहे इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब, भैया मंजुल के फैंस से जो प्यार मिला है ना उस वीडियो पे मैं बता नहीं सकता। नहीं मतलब मैं सच बता रहा हूँ यार, इतना प्यार तो मुझे मेरी एक्स गर्लफ्रेंड से भी नहीं मिला जितना मुझे मंजुल के फैंस से मिल गया। खुल्लम खुल्ली कहो ना कि तुम मंजुल से जेलस हो मदर बोट। ओ बीसी तू क्यों जलता है मंजुल से? खुद म्यूजिकली बना कर देख, उसको कम से कम लाइक्स और फॉलोवर्स तो मिल रहे हैं, तुझे तो वो भी नहीं मिलेगा। देख बीसी तू इतना जलता क्यों है उससे? साले तू कुछ नहीं कर पाया इसलिए चूतिया है तू, कुछ और काम तो नहीं है तेरे पास। वो कुछ भी है वो अपने टैलेंट से है। ओहो टैलेंट नहीं यार, मैं सच बता रहा हूँ, मंजुल खट्टर से ज्यादा टैलेंटेड ना इस दुनिया में कोई नहीं है। नहीं मतलब तुम लोग खुद एक बार इसका टैलेंट देख लो। अब यार ऐसा पैरल थूथ बना के बिजली के झटके लेना टैलेंट नहीं तो और क्या है? आई लाइक इट। और यार अभी तुम लोग रुको, अभी तो मंजुल खट्टर का एक ऐसा टैलेंट दिखाना बाकी रह गया है जिसके कारण म्यूजिकली ने इसको कॉमेडियन का पैस दिया है। सच में यार इससे ज्यादा टैलेंटेड तो कोई हो नहीं सकता। नहीं मतलब दिन दहाड़े किसी की गांड सूंघना टैलेंट नहीं तो और क्या है? तो यार हमसे बहुत लोग पूछते हैं कि भाई तुम लोग को म्यूजिकली या टिकटॉक वालों से क्या दिक्कत है। तो भाई देखो हम लोग को म्यूजिकली वालों से कोई दिक्कत नहीं है, पर जब ये लोग कुछ ऐसी हरकतें कर जाते हैं तो भैया दिल से आवाज आती है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? नहीं मतलब तुम खुद इस बंदे को देख लो। चलो ये तो ठीक है, इसकी तो हमें आदत पड़ चुकी है, पर भैया आजकल के बुजुर्गों को हो क्या गया? नहीं मतलब इन्हीं अंकल को देख लो जो कतई प्रिया प्रकाश बनने की कोशिश कर रहे हैं। दे दो भाई को, इनको भी 5 मिलियन फॉलोवर्स दे दो इंस्टाग्राम पे। नहीं मतलब देख रहे हो उनके दांत गायब हो रखे हैं, पर भैया अंकल को कतई प्रिया प्रकाश बनना है। शर्म करो, भगवान से डरो भोसड़ी वालों, भगवान से डरो। नहीं मतलब पहले तो ऐसे हरकतें कर लेते हैं ये लोग इंटरनेट में, फिर रंडी रोना रोते हैं कि लोग हमें आजकल छक्का छक्का बहुत बोलने लगे हैं हम इंडियन म्यूजर्स को, क्योंकि हम म्यूजिकली बनाते हैं जो कि उनके हिसाब से सिर्फ एक लड़कियों वाला काम है, शायद लड़कों वाला नहीं, शायद एक मिक्स जेंडर वाला काम है। क्या अगर हम किसी को खुश देखना चाह रहे हैं तो हम छक्के हो गए?
भाई सबसे पहली बात तो तुम ताली बजा के क्या साबित करना चाह रहे हो? नहीं मतलब पहले तो ये लोग लड़कियों की तरह 10 किलो का मेकअप और लिपस्टिक लगा के म्यूजिकली वीडियो बनाते हैं और फिर बोलते हैं कि लोग हमें आजकल छक्का झक्का बहुत बोलने लगे हैं। और जो बात तुम एंटरटेनमेंट की कर रहे हो ना भाई, तो म्यूजिकली में ऐसे कई लोग हैं जो बिना लिपस्टिक और बिना मेकअप किए लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं भाई, उन्हें तो कोई छक्का नहीं बोलता। और तो और यार तुम लोगों से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि यार मंजूर खट्टर तो ऐसी हरकतें नहीं करता, तो भैया हम उसको बार बार रोस्ट क्यों करते हैं? तो भैया रुक जा भाई, ये चीज तो मेरे मोटा भाई बताएंगे। ठीक है मोटा भाई आप ही बताओ। They hate me because their sister want to date me. चल बे खट्टे जामुन, पहली बात तो ये मेरी बहन को तेरे जैसे बाबू फतड़े को डेट करने का कोई शौक नहीं है, और दूसरी बात बहन पे जाता है साले मादर। पता है मंजूर खट्टर मुझे वो बच्चों की याद दिलाता है जो तुम्हें मस्ती में मुक्का मारते हैं, पर अगर तुम मस्ती में उन्हें इतना बोल दो ना साले मुझे वापस छुआ ना, तो तेरी गांड पे इतना चिंता करूंगा ना कि तेरी गांड पे पूरा पबजी का नक्शा छप जाएगा। बेटे को मारता ही तेरे पे चाइल्ड अब्यूज केस करूंगी। अब ऐसे बच्चे बड़े होके मंजूर खट्टर बनते हैं, और भाई साहब इतना मेकअप लगाते हैं जितना लैक्मे और मेबलिन वाली कंपनी अपनी फैक्ट्री में भी प्रोड्यूस नहीं करती होगी। पीपल हेट मी बिकॉज आई एम द ट्रेन, वो ख्वाब जिसका सब लोग सपना देखते हैं। चल बे खट्टे जामुन, चैलेंज एक्सेप्टेड। I'm ready to put you in the worst mood, सॉस के साथ खाता हूँ अचार, लौंडिया बाजी नहीं करता यार, मैं हूँ एक्शन का मेन मेरे यार। मैं हूँ एक्शन का मेन। तुम्हें पता है मुझे कभी कभी बुरा लगता है क्योंकि हॉट लोग टैलेंटेड लोगों को पीछे छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि हम लोग लोगों की हवस को पूरी नहीं कर पाते ना, इसलिए। कभी मेरा भी सपना था कि मैं भी फेमस हूँगा, पर अब लगता है कोई हमें सब्सक्राइब ही नहीं करेगा क्योंकि हम लोग इनकी तरह हवस नहीं पूरी कर पाते ना, इसलिए। That's right bro, talented लोगों की कमी नहीं है, चाहे वो musically हो या YouTube, बस बात इतनी सी रह जाती है कि लोग मेकअप से नहाए, एटीट्यूड से भरे और चमकदार कपड़े पहनने वाले लोगों को पसंद करते हैं। नहीं मतलब इतना एटीट्यूड लेके तुम कहाँ जाओगे भाई, नहीं मतलब तुम भी यही हो, हम भी यही हैं। तो बस यार लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा कि यार टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं है, जो बिना मेकअप किए और बिना डिजाइनर कपड़े पहने लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, तो उनके भी टैलेंट की कदर करो यार, सपोर्ट करो उनको भी, मैं बस बोल सकता हूँ, बाकी तुम लोग पे है। तो बस यार आजकल ऐसे नहीं खत्म करते हैं। अब यार ये मेरी मंजूर खट्टर पे लास्ट वीडियो है, अब मैं मंजूर पे कोई भी वीडियो नहीं बनाने वाला जब तक उसकी जरूरत ना पड़े। इसका मतलब ये नहीं है कि म्यूजिकली या टिकटॉक पे वीडियोस आना बंद हो जाएंगे, टेंशन मतलब म्यूजिकली या टिकटॉक पे वीडियोस आते रहेंगे। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, एम करते हैं 8500 लाइक के, 8500 लाइक भाई कंप्लीट कर दो, और कमेंट करके बताओ यार कैसी लगी तुम लोगों को ये वीडियो, जरूर कमेंट करके बताओ। और अगर तुम लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो यार प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाओ, और बाजू का जो घंटा है भाई उसको भी दबाओ। और यार यस मेरे साथ कोलैब किया था फाइनेस्ट ट्रेंड ने, तो जाओ यार उसके चैनल को भी सब्सक्राइब करो, बहुत ही फनी वीडियोस बनाता है वो एनिमेशन के साथ, तो जाओ यार उसके चैनल को भी सब्सक्राइब करो। और अगर तुम लोग मेरे से इंस्टाग्राम पे मिलना चाहते हो तो ये रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। और यार ये मेरा फेसबुक पेज है, तो यार यहाँ मैं फनी मीम्स और फनी वीडियोस डालते रहता हूँ अक्सर, तो यार इसको भी जाके लाइक कर दो। तो चलो यार अब मिलता हूँ मैं तुम लोगों को मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कड़क बन मत बन तू ढोकला, सिर्फ पटेली तू मारता है अंदर से खोखला, बातचीत से बात कम सीधा पैसा रोकला, तू ट्रिपला बिठाता मैं चलाता बेटा छोकला। कड़क बन मत बन तू ढोकला, सिर्फ पटेली तू मारता है अंदर से खोखला, बातचीत से बात कम सीधा पैसा रोकला, तू ट्रिपला बिठाता मैं चलाता बेटा छोकला छोकला। तो लोग हमें आजकल छक्का झक्का बहुत बोलने लगे हैं।